यहाँ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वो समझ पाएंगे कि व्हेन यू सक्सीड टू अ लेजिटिमेट ऑफिस यू सक्सीड नॉट जस्ट टू हिज एसेट्स बट यू सक्सीड ऑल्सो टू हिज लायबिलिटीज। मतलब अगर आप एक नए ऑफिस को ग्रहण करते हैं तब आप पुराने सरकारों का सफलता और उसका विफलता को भी आपको अपनाना पड़ता है। और मैं ये बुरी बात है कहने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे विफलता जिस इस सरकार को सामना करना पड़ा, ये सही बात है। सच्चाई को आप दबा सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता है। देखिए, सालों से, बहुत ही सालों से, चंद मुट्ठी भर लोग हमारे जो संस्था है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हटोरा मार रहा था। इतना हटोरा मारा कि हमारे ये संस्था का कमरे खिसक गया। इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं आज। दे हैव वायलेटेड नॉट ओनली देयर ओथ ऑफ एलिजेंस पर हमारे भविष्य के साथ विश्वासघात किया, हमारे पीठ के पीछे छुरी ढाला है, और ये प्रदेश की सबसे बड़ी अपराध होता है। इससे और बड़ी अपराध कोई हो ही नहीं सकता है, जहां हम अपने भविष्य के लिए, हम जो राज्य के भविष्य है उसका पीठ में छुरी ढाले। आपने देखा कि हमारे अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने बहुत सारी प्रदर्शन किया, आक्रोश स्ट्रीट में निकला। हमारी सरकार तो काम कर ही रहे थे, बट ड्यू टू पॉपुलर डिमांड हमें स्वीकार करना पड़ा बहुत सारे उनके जो डिमांड्स था, चार्टर ऑफ डिमांड्स, हम स्वीकार तो करा, लेकिन सबको हम स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं। एक डिमांड है जो मैं इस डिमांड के पूरी खिलाफ हूं, क्योंकि इस पर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जस्टिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। एक डिमांड है जिसके ऊपर मैं खिलाफ हूं और वह है नल एंड वॉइड। देखिए, अन्याय से कभी न्याय नहीं मिलता, अन्याय से कभी न्याय साबित हो ही नहीं सकता है। और नल एंड वॉइड तो ऐसे है कि नल एंड वॉइड के जरिए बहुत गुनहगार बहते गंगा में अपने हाथ धो देंगे, अपराध पकड़ने ही नहीं सकेंगे। तो ये जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की जो डिमांड है अपने आप पे सही है, लेकिन बहुत सारे चीजें हैं जो कभी स्वीकार नहीं हो सकते हमारे तरफ से। सरकार ने तो सबके बात सुना, सरकार तो सबके बात सुनना पड़ता ही है, यही होता है सरकार के काम, लेकिन हम जो विधायक है हमें भी अपना पक्ष सरकार को बताना ही है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं हम अपने जनता को। तो मैं आज इस सदन पे हमारे जो गवर्नर के अभिभाषण पर के ऊपर मैं ये बात हमारे सरकार को अपनी तरफ से रखने चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में, लोकतंत्र की असली हकदार जो होता है वो गरीब लोग होता है। गरीब जो मेहनत करके कामयाबी हासिल करता है उनके हकदार होता है, और उनके ऊपर मैं आशा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सरकार उनके ऊपर कभी अन्याय नहीं करेंगे। और जिस तरह से हमने रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म्स करवाया, इसी तरीका से हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरे पूरी भरोसा है इस सरकार के ऊपर। मैं आज मन की भावना से ये भी कहने चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को ये भी कहने चाहता हूँ कि पेमा जी, शायद ऊपर वाला ने यहाँ के पूरी गंगा को साफ करने के लिए आपके कंधों पर ही बोझ डाला है, क्योंकि आपके पास क्षमता है, नेतृत्व है, और इसी नेतृत्व पे मैं समझता हूँ कि अरुणाचल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उज्जवल रहेंगे। मैं आज इसी बात को यहाँ पर रख के धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सरकार को, डिप्टी स्पीकर को, कि आज इस सदन पे आपने थैंक्स टू दी गवर्नर्स एड्रेस के ऊपर मेरे बात रखने के लिए मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।